शाहपुर पुलिस ने चोरी के आरोप में सराफ समेत गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अभी एक अन्य सराफ की तलाश में जुटी है। पकड़े गए चोरी के गैंग के सदस्यों के पास से पुलिस ने 2 बाइक, 2 मोबाइल फोन, भारी मात्रा में जेवरात बरामद किया है। एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा कि इनके पकड़े जाने से शाहपुर थाने में दर्ज चोरी के 6 मामलों का पर्दाफाश हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार शाहपुर थानेदार संतोष कुमार सिंह, SSI धनंजय कुमार राय, चौकी प्रभारी पादरी बाजार दीपक कुमार सिंह, कौवाबाग चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह ने सोमवार को मुखबिर की सूचना पर जेल रोड के पास से चोरी गिरोह के 6 लोगों को घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपित की पहचान कुशीनगर के मुंडेरा बाबू थाना अहिरौली बाजार निवासी संदीप सिंह, हरपुर बुधहट के कटसहरा निवासी सहबाज, शाहपुर के मोहनापुर निवासी प्रशांत सहानी उर्फ प्रेम, गुलहरिया के सिमरा नंबर 2 निवासी रवि कुमार तथा कुशीनगर के कसिया मल्लूडीह निवासी अरविंद वर्मा के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार अरविंद वर्मा आभूषण कारोबारी है जो राजगढ़ थाना के घंटाघर में रहता है। वहीं संदीप गिरोह का सरगना है। संदीप व उसके गिरोह के लोग चोरी के आभूषण को अरविंद वर्मा को देते थे। अरविंद उस आभूषण को गला देता था और नया आभूषण बना देता था। अरविंद ने पुलिस को बताया कि चोरी के आभूषण को गला कर बनाए हुए नए आभूषण को वह बीते 20 मार्च से 22 मार्च के बीच RC टंच वाले सराफ घंटाघर के गोपी गली गहना मार्केट के बलराम जायसवाल को बेच देता था। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि बलराम का भी नाम फर्ड में शामिल किया गया है। जांच के बाद उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं सराफ अरविंद को चोरी के सामान खरीदने व बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया, आज शाहपुर पुलिस द्वारा चोरी के मामले में 5 अज्ञात गुनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। संदीप सिंह है, शाहबाज, प्रशांत सहनी, रवि कुमार और अरविंद वर्मा। इन लोगों के पास से चोरी की गई, बरामदगी की गई लगभग 1.5 लाख रुपए के जेवरात, चोरी की मोटरसाइकिल, चोरी के पैसे से खरीदी गई मोटरसाइकिल, 2 अदद मोबाइल। मुकदमा अपराध संख्या 152/21, अंतर्गत धारा 379, 411, 413, 414 IPC। इसके अतिरिक्त इनपे 5 अलग अभियोग भी है। इन लोगों का मोटर ऑपरेंडी ऐसा होता था कि ये लोग पहले रेकी करते थे, अगर घर पे ताला लगा मिलता था तो अगले दिन दोबारा जाते थे, अगर दोनों दिन लगातार ताला लगा मिलता था तो लोग चोरी की घटना को अंजाम करते थे। मेनली जहां पे भी चोरी की गई वहां पे CCTV कैमरे नहीं लगे होते। इनको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।